गाइस बहुत टाइम से मैं एक्चुअली एक चीज सोच रहा था कि शाहरुख खान एक ऐसा बंदा है जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडियन बेल्ट के अंदर से वो एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, फिल्म इंडस्ट्री फिल्म लाइन हो, वो हॉलीवुड की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडियन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, वो भी इंडियन इंडस्ट्री में भी वो पैन इंडिया लेवल पे अभी फिल्म बना रहा है। पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट के अंदर, वो जितना बाउंड्री हिंदी बेल्ट के अंदर है, सिर्फ हिंदी बेल्ट और बाउंड्री के अंदर रहकर वो बंदा पूरा दुनिया भर में मेसी एलन मस्क का वो रिकॉर्ड अभी वो लिस्ट में और टॉप 100 के लिस्ट में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल था शायद, आई गेस, मेरे को इतना याद नहीं, वो सारे रिकॉर्ड्स बनाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। वो चीज़ को सबको साइड करो कि वो इंडिया में है, लोकल मूवीज है, हिंदी मूवीज है, पैन इंडिया लेवल पे भी नहीं है, वो सब तो बहुत दूर की बात है। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ, मूवी और फिल्म्स जो होते हैं ना, वो स्पोर्ट्स में देख लो, Formula 1 सबसे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, पूरे दुनिया में किसी एंटरटेनमेंट जोन की सबसे ज़्यादा क्रेज़ है तो मेरे को लग रहा है वो फुटबॉल ही है, फुटबॉल या तो Formula 1, ये दोनों में से कोई एक है। ये है Formula 1 है, देन बास्केटबॉल के भी मतलब अलग लेवल पे क्रेज़ है। ये अपन तो 140 करोड़ के देश में यहाँ पर है तो अपन को उतना पता नहीं कि वहाँ पर मतलब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में क्या चल रहा है, तो उतना क्रेज़ वो सब हाई रेंज पे, मतलब एंटरटेनमेंट के फैक्टर्स में मेरे को ऐसा लगता है कि मूवीज़ जो होती है वो 4th, 5th या 6th रैंक में आती है। 4th, 5th, 6th रैंक में आकर भी ही इज़ नॉट फ्रॉम हॉलीवुड, ही इज़ फ्रॉम बॉलीवुड, ही इज़ फ्रॉम ए सर्टेन काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज में। अभी पैन इंडिया लेवल पे भी ऐसा कुछ नहीं, नंबर्स नहीं बने, वो तो अलग बात है, वो अभी बनेंगे, आ रहा है टा टा टा, वो तो बनेंगे, लेकिन अभी तक बने भी नहीं है, पैन इंडिया लेवल पे भी नहीं है। इमेजिन करो इतनी छोटी, मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक को मिल रहा है 20 बॉल में 150 रन बना रहा है एक बंदा, और बाकी बाहर में जो है वो लोग सेलिब्रिटीज़, इतने मतलब इतने फैन फॉलोइंग, इतने फॉलोअर्स, मैं स्पोर्ट्समैन सब ये जो जितने भी चीज़ें, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो ये सब, सारे स्पोर्ट्समैन, सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं काउंट कर बोल रहा हूँ, तो उनके पास ऐसा है कि वो 100 बॉल में 10,000 रन बना रहे, तो ये बंदा 10 गेंद खेलकर 250-300 रन मार रहा है। ये सिंपल है, बाउंड्री छोटी है इसकी, मूवीज़ की उतनी वो नहीं है, फैन फॉलोइंग नहीं है, मतलब है बट top 2-3 में तो बिल्कुल भी नहीं है, वो नीचे, वो भी हॉलीवुड की मैं बोल रहा हूँ, वो जाती है 20,000 करोड़, 15,000, 20,000 करोड़, टाइटैनिक, एवेंजर्स, ये सब जाती है, वो हमेशा हर मूवी नहीं बनाती है। तो ये इस रेंज पे, इस लोकल एक छोटे से बाउंड्री के अंदर रहकर ये बंदा कम्पीट करता है मेसी रोनाल्डो के साथ, कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बड़ा है वो छोटा, मैं तो वो तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि छोटी बाउंड्री होकर इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है ये, मतलब कुछ जगह पे कॉम्पिटिशन, कुछ जगह पे इसका क्रेज ज़्यादा है। फिल्म एक भाषा जो यूरोपियन कंट्रीज़ को पता भी नहीं है, वहाँ पर जाकर ये बंदा इतना हंगामा मचा रहा है, पब्लिक पागल है पूरे इसके लिए, पूरी दुनिया में 400 करोड़ ओवरसीज कलेक्शंस, 400 करोड़। मैं हमेशा बोलता था मेरे को इंडिया का कमबैक का नहीं पता, बट ओवरसीज में इसकी फिल्म रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, जब भी कमबैक होगी, जब भी कोई भी मूवी आएगी, दो ढाई साल से कोरोना के टाइम से मैं बोल रहा था। तो भाई इमेजिन करो ये बंदा अगर हॉलीवुड में चला गया, एक्सट्रीम सिटी ऑफर हुई थी और उसके ऊपर तो ऑफर हुई थी, एंड उसके बाद वो बेस फाउंडेशन जो बोलते हैं वो इन टॉक्स भी था, लियो था और एक कोई था यार, कौन था मेरे को याद नहीं है, ये दो बंदे थे, लियो था और ये था शाहरुख खान। इमेजिन करो अभी, चलो ठीक है 57-58 पे वो रेंज पे आ गए, एज फैक्टर वहाँ पर आ गया, इंडियन सिनेमा को उस लेवल पे लेके जाने का बंदे ने बहुत ट्राई भी किया है, और मैं तो बोलता हूँ भाई लेकर चला भी गया। भाई भारत के सिनेमा को मोस्टली ओवरसीज के अंदर इसी के नाम से जानते हैं, वो फैक्ट, वो बिटर ट्रूथ है, अभी किसी को कड़वा लगेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, जुलाब होगा, वो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सच है। लेकिन इमेजिन करो भाई ये बंदा हॉलीवुड की फिल्म कर रहा है,
फिर और वो तो जाहिर सा बात है दे आर लाइक वेलकमिंग हिम, वो अटर लेवल पे वेलकम कर रहे हैं इसको, एक्शन फिल्म्स कर रहा है वो तो इंडिया से, तो सपोर्ट 100% श्योर शॉट है इंडिया से, एक पैन लेवल पे हिंदी में रिलीज, तमिल में रिलीज, तेलुगु में रिलीज, इंग्लिश लैंग्वेज की फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म कर दिया तो क्या होगा भाई, कर दिया तो, क्योंकि उनकी स्क्रीन्स लाइक वो 20,000-40,000 स्क्रीन्स पे वो लोग रिलीज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो तो उनका रिलीज वाइड रिलीज़ होता है, वाइड प्रोडक्शन हाउस होता है, वाइड बेल्ट होता है, तो इमेजिन करो क्या होगा भाई, तब इस बंदे का ये जो नेटवर्थ है वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, तब इस बंदे का जो फॉलोअर्स को लेकर कुछ है, कुछ आज के पैदा हुए वाले सेलिब्रिटी के फैंस वो बोलते हैं फॉलोअर्स ज़्यादा है मतलब स्टारडम ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता, उस हिसाब से दीपक कलाल का फॉलोअर्स इरफान खान से ज़्यादा है, मेरे को ओपनली मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा है, ऑल टोटल सोशल मीडिया में उसका फॉलोअर उठाकर चेक करो तो ऐसा नहीं होता है, वाइड जगह पे इतना पब्लिक इतने पब्लिक तक वो चीज़ें वो रिपीटेड वे में वो पहुँचती रहेगी, वो चाहे वो फिल्म्स हो, इंग्लिश फिल्म्स हो, हिंदी फिल्म्स हो, हॉलीवुड की फिल्म्स हो, हॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ फिल्म्स हो, एक पैन प्रॉपर पैन वर्ल्ड फिल्म हो, मैं तो बोल रहा हूँ डंकी को पैन वर्ल्ड रिलीज ही करना था, इंग्लिश लैंग्वेज में भी बनाना चाहिए, दैट इज़ द परफेक्ट थिंग दे कैन डू फॉर अ फिल्म लाइक राजकुमार हिरानीज फिल्म, तो भाई इमेजिन करके देखो ये बनता किधर से किधर, मतलब अभी तो है अभी तो टॉप पे ही है, लेकिन वो वर्ल्ड बोलते ना वर्ल्ड का एक ही किंग, एक ही अभी तो वो लोग तो सब भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो और वो मेसी भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये लोग तो सब तो भाई वो तो छोड़ दो लीग से बाहर है वो लोग, बट स्टिल इतनी सी बाउंड्री में रहकर भाई, इतनी सी बाउंड्री बिल्कुल छोटी है भाई, वो भी लोकल बाउंड्री, इंटरनेशनल लेवल पे तो बंदा पहुंचा भी नहीं, जस्ट इमेजिन भाई, ये मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने की सोच रहा था, आज मौका मिला था आज बना दिया भाई, एक बार इमेजिन करके देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्चुअली में क्या डिस्ट्रक्शन होगा अगर ये हॉलीवुड की फिल्म्स साइन करना चालू कर देगा, हाँ साइमेंटेनियसली, मैं ये नहीं बोल रहा ये छोड़कर वहाँ चला जाए, सोचकर देखो बंदा को कितना ऑफर भाई, जेम्स कैमरॉन का भी कुछ मैंने इंटरव्यू वगैरह देखा था, तो वो बंदा भी बहुत ज़्यादा ही इंटेंसिवली कह रहा था कि भाई इस बंदे को मेरे को डायरेक्ट करना है, तो वो अलग लेवल पे हो गया वो सब, तो इमेजिन करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ क्या डिस्ट्रक्शन होगा भाई।